नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अंतिम चरण के चुनाव में बिहार की 8 सीटों पर इतना प्रतिशत हुआ मतदान। अब किसानों को इस ऐप के माध्यम से मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी। शिक्षा विभाग शिक्षकों और कर्मियों का करेगा सीधे वेतन भुगतान। अब बिहार में ही मिलेंगे प्रोसेसिंग की गुणवत्ता वाले आलू और टमाटर। शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल को लेकर सुरेश रैना ने कही ये बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अंतिम चरण के चुनाव में बिहार की 8 सीटों पर इतना प्रतिशत हुआ मतदान। आज बिहार में अंतिम चरण का चुनाव बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर जारी है। मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहे हैं। अधिक गर्मी को देखते हुए मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर पानी और शेडिंग आदि की व्यवस्था की गई है। दोपहर के 3 बजे तक 42.95% के करीब में वोटिंग देखने को मिली। अभी तक बक्सर में सबसे अधिक वोटिंग हुए हैं। बक्सर में दोपहर के 3 बजे तक 45.90% वोटिंग हुई है। वहीं सबसे कम वोटिंग पटना साहिब में देखने को मिले हैं। यहां 3 बजे तक 36.83% के करीब में वोटिंग देखने को मिले। आज सीएम नीतीश ने भी पटना साहिब लोकसभा सीट से मतदान किया है। वोटिंग को लेकर सभी जगह काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब किसानों को इस ऐप के माध्यम से मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी। पिछले साल योजना एवं विकास विभाग द्वारा मौसम बिहार ऐप विकसित किया गया था। अब इस ऐप को और भी एडवांस कर दिया गया है ताकि आम लोगों तक राज्य के मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सही तरीके से पहुंच सके। अब स्थानीय स्तर पर भी लोग मौसम पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे काम कर रहा है। मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी से किसानों को खेती करने में आसानी होगी, साथ ही किसानों को मौसम की मार से भी बचाया जा सकेगा। आपको बता दें कि किसान इस ऐप के जरिए पंचायत स्तर पर 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की जानकारी ले सकते हैं। शिक्षा विभाग शिक्षकों और कर्मियों का करेगा सीधे वेतन भुगतान। शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और उनके अधीनस्थ अंगीभूत अल्पसंख्यक घाटा अनुदानित कॉलेजों के शिक्षक कर्मियों को उनके खाते में सीधे वेतन भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में शुक्रवार को निर्देश जारी किया गया। साथ ही सीधे वेतन भुगतान की व्यवस्था को अमल में लाने के लिए विश्वविद्यालय वार वेतन पर्ची बनाने वाले मेकर, जांच करने वाले चेकर और स्वीकृति देने वाले अप्रूवर पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है, जो शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए हर महीने विश्वविद्यालयों में कार्य करेंगे। बिहार प्रशासनिक अधिकारियों की फोटो युक्त सूची होगी तैयार। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की फोटो युक्त सिविल सूची 2024 प्रकाशित करने की तैयारी की जा रही है। यह कार्य भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तर्ज पर किए जाएंगे। इसकी तैयारी सामान्य प्रशासन विभाग में अंतिम चरण में है। इस सूची में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नाम से लेकर वर्तमान विभाग का नाम, सेवा संपुष्टि की तिथि, ईमेल आरक्षण कोटि, मोबाइल पता समेत और भी अन्य जानकारी उपलब्ध रहेंगे। सभी विभागों से फॉर्मेट जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जानकारी मांगी गई है। हर वर्ष इस सूची को अद्यतन किया जाएगा। बारिश और तूफान की वजह से बिहारवासियों को मिली राहत। गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह बिहार के कई जिलों में आंधी के साथ हुई बारिश से मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया है। विभिन्न क्षेत्रों में आंधी के साथ हुई बारिश के कारण बिहारवासियों को चिलचिलाती गर्मी और हीट वेव से थोड़ी राहत मिली है। वहीं इस बारिश से किसानों में भी खुशी की लहर है। आंधी तूफान की वजह से आम लीची के फलों को नुकसान हुआ है, जबकि खरीफ की फसल में बारिश की वजह से फायदा हुआ है। बारिश के बाद किसानों को खरीफ फसल की बुआई में सुविधा होगी। वहीं बीते कई दिनों से भीषण गर्मी से अस्त व्यस्त जनजीवन शुक्रवार को राहत में रही। अब बिहार में ही मिलेंगे प्रोसेसिंग की गुणवत्ता वाले आलू और टमाटर। प्रोसेसिंग की गुणवत्ता वाले आलू और टमाटर की खेती को बिहार में बढ़ावा देने की बात सामने आई है। सहकारिता विभाग द्वारा इसके लिए पहले की जा रही है। इस पहल के तहत सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के किसानों को प्रशिक्षण और बीज देने की योजना बनाई गई है, जिसके बाद आलू टमाटर की कमी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को नहीं होगी। आपको बता दें कि जो प्रसंस्करण लायक हैं वैसे आलू टमाटर की मांग भी बढ़ी है। फिलहाल बिहार में सामान्य प्रजाति के आलू टमाटर की खेती बिहार में देखने को मिलती है। चिप्स के लिए आलू बिहार के बाहर से आते हैं, लेकिन अब प्रसंस्करण गुणवत्ता वाले आलू टमाटर की खेती से अब ये बिहार में ही मिल जाएंगे। अब प्रदेश के निजी स्कूलों में शिक्षा विभाग ऐसे करेगा शिकंजा।
वैसे निजी स्कूल जो शिक्षा विभाग के पोर्टल पर बिना पंजीयन के चल रहे हैं उन पर विभाग नकेल कसने वाला है। गर्मी की छुट्टियां खत्म होते ही विभाग द्वारा 1 से 8 तक संचालित निजी स्कूलों के निरीक्षण किए जाएंगे। वहीं जो स्कूल पोर्टल पर बिना पंजीयन के पाए गए तो उन पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसे स्कूलों को सील भी करवाया जा सकता है, साथ ही स्कूल संचालक पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि सरकारी स्कूलों की तरह अब निजी स्कूलों का भी प्रतिदिन निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण कर्मियों को एक दिन में कम से कम 10 स्कूल का निरीक्षण उसका रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को सौंपना है। राष्ट्रीय औसत से अधिक हो रही बिजली कटौती, अद्यतन रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हर रोज राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक बिहार में बिजली गुल हो रही है, यह खुलासा केंद्र सरकार द्वारा जारी अद्यतन रिपोर्ट से हुआ है। हर रोज बिहार के शहरी इलाकों में 4 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 6.25 घंटे के लिए बिजली काटी जा रही है, जबकि बिजली गुल होने का राष्ट्रीय औसत शहरी क्षेत्रों में 2 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 4 घंटे है। वहीं देश में सबसे अधिक बिजली गुल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 8 घंटे और शहरी इलाकों में 4 घंटे हो रही है। बिजली गुल होने के मामले में झारखंड दूसरे पायदान पर आता है, तो वहीं रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में सबसे कम बिजली गुल होती है। मिलेट्स मैन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आरके सिन्हा ने राज्यपाल को दिया निमंत्रण। शुक्रवार को बिहार के राज्यपाल माननीय विश्वनाथ आर्लेकर जी से शिष्टाचार मुलाकात कर भाजपा के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने मिलेट्स मैन से प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर खादर वल्ली के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो 16 से 18 जून 2024 को रविन्द्र भवन में आयोजित है में शामिल होने का निमंत्रण दिया है और साथ ही कार्यक्रम का उद्घाटन करने का आग्रह भी किया। बता दें कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर खादर वल्ली को भारत के मिलेट मैन के नाम से जाना जाता है और ये एक भारतीय जैविक किसान और पर्यावरणविद हैं जो 3 दशकों से अधिक समय से अपनी नवीन और टिकाऊ कृषि विधियों के लिए जाने जाते हैं। के पाठक के निर्देश पर काटा गया 886 शिक्षकों के एक एक दिन का वेतन। आईएएस के पाठक के अपर मुख्य सचिव का पद संभालने के बाद से ही सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सुधार को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए हैं और लगातार सख्ती बरती गई है। तो वहीं अब शिक्षा विभाग द्वारा पिछले 10 माह में शिक्षकों पर की गई कार्यवाही का आंकड़ा जारी किया गया है। जारी आंकड़े के अनुसार विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान स्कूल से गायब पाए गए शिक्षकों पर अगस्त 2023 से लेकर मई 2024 तक 10 महीने में विभाग ने 886 शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए उनके वेतन से कुल 13 लाख रुपए काटे हैं। शिक्षकों का एक एक दिन का वेतन काटा गया है। हालांकि वेतन कटौती का यह आंकड़ा पिछले माह की तुलना में कम हुआ है। पटना में इस दिन से बनेगा जेपी सेतु के समानांतर नया 6 लेन पुल। राजधानी पटना में नए एक्स्ट्रा डोज केवल पुल का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू किया जाएगा। यह पुल गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर वर्तमान पुल से करीब 180 मीटर पश्चिम में देखने को मिलेगी। इस पुल के निर्माण कार्य से संबंधित सभी कागजी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, साथ ही इस पुल के लिए चयनित निर्माण एजेंसी को भी हरी झंडी मिल चुकी है। आपको मालूम होगा कि इस पुल का शिलान्यास पीएम मोदी ने मार्च 2024 को किया था। उम्मीद है कि इस पुल पर वर्ष 2027 तक आवागमन कार्य शुरू हो जाए। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इसमें अलग अलग अप्रोच रोड बनेगा जो सीधा पाटलिपुत्र और जेपी गंगा पथ को कनेक्ट करेगा। 11वीं में नामांकन के लिए इतने बच्चों ने किया आवेदन। 10वीं पास बच्चों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 11वीं में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। करीब 14 लाख बच्चों ने 11वीं में नामांकन के लिए आवेदन किया था। 11वीं में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई तक थी। 7 जून को बच्चों का स्कूल का आवंटन किया जाएगा। OFSS वेबसाइट पर सत्र 2024-26 के लिए आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं नामांकन प्रक्रिया 12 जून तक समाप्त हो जाएगी। 16 जून को स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होगी और इसी दिन से बच्चों की कक्षाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। परीक्षा समिति ने कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों से 10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहाँ से वे 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। राज्य के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में दवाओं की घोर कमी। राज्य के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में दवाओं की घोर कमी देखने को मिल रही है। यहां मरीजों को निशुल्क मिलने वाली 151 आवश्यक दवाओं की सूची में मात्र 9% यानी कि केवल 12 से 13 प्रकार की दवाइयां ही उपलब्ध है। ऐसे में जो दवाइयां मरीजों को निःशुल्क मिलनी थी वो उनको बाहर के दुकानों से खरीदनी पड़ रही है।
DVDMS ऐप की समीक्षा के दौरान यह खेदजनक जानकारी सामने आई है। इस संबंध में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में दवाई की कमी को लेकर सभी सिविल सर्जन को स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र लिखा है और स्थिति में सुधार के निर्देश दिए हैं। नवादा के प्रसिद्ध वैद्य व समाज सेवी का निधन, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। नवादा जिला के प्रसिद्ध वैद्य व समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध गिरीश चंद्र वर्मा की 82 वर्ष की आयु में हृदयघात से शुक्रवार को लगभग 12:30 बजे दोपहर में निधन हो गया। गिरीश चंद्र वर्मा निबंधन कार्यालय में वरीय लिपिक के रूप में नवादा के अलावे नालंदा और शेखपुरा जिला में अपनी सेवा दे चुके थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने एक वैद्य के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी। उनकी दवा कई बीमारियों अचूक थी। जिला के वरिष्ठ पत्रकार गोपी किशन के पिता गिरीश चंद्र वर्मा के निधन पर लोगों ने शोक व्यक्त किया है। शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल को लेकर सुरेश रैना ने कही ये बात। T20 वर्ल्ड कप में जीत के लिए पूर्व आक्रामक बल्लेबाज सुरेश रैना का बयान सामने आया है। सुरेश रैना ने कहा है कि भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे को अंतिम एकादश में जगह देना चाहिए। अमेरिका और वेस्टइंडीज की धीमी पिच पर विराट कोहली तीसरे नंबर पर ज्यादा ठीक रहेंगे। सुरेश रैना ने कहा कि यशस्वी जायसवाल युवा बल्लेबाज हैं और वह बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते हैं। इस बार यशस्वी विश्व कप में शतक लगा सकते हैं, वहीं शिवम इस वर्ल्ड कप में टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। उनमें खड़े खड़े लंबे छक्के लगाने की क्षमता है, जैसे धोनी और युवी पाजी लगाते थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, अरविंद कुमार मंडल, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, सुधांशु कुमार, सादुल्लाह पालवी, गोनर शर्मा, नौसाद रजा, ऋतुराज, नागेंद्र कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में गर्मी कम हुई या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को